हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है यार, जेई का आप लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हो और आपको मेहनत तो करनी ही है, तो हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार, जेई का जो सिलेबस है, सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, रिसेंट वीडियोज़ में मिल जाएगा। अगर आपने सिलेबस देख लिया, आपको पता है 11 12 के चैप्टर्स हैं, तो आपको पता है जैसे 10th में आपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं, तो आपको पता है कि यार हमें मार्किंग स्कीम पता होती है, ब्लूप्रिंट पता होता है कि भाई इस चैप्टर से इतना आता है, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे 3 आते हैं, ये एक आइडिया होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम क्वेश्चन चैप्टर की बात करें, सेट्स रिलेशन फंक्शन, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 में सेट्स, और सेकेंड है रिलेशन फंक्शन, और 12th में भी है रिलेशन फंक्शन, तो वो सबसे एक क्वेश्चन आता है। मतलब आप ये सोचो कि यार इतना बड़ा चैप्टर है और एक क्वेश्चन। देखिए रीजन भी इसका, यार आपको पता है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने जेई का पैटर्न देखा, 30 क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, उसमें आपको 25 करने हैं, मतलब 20 तो पूरे करने होते हैं एमसीक्यू में, जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 करने होते हैं 10 में, तो यानी 25 करने, यानी 30 क्वेश्चन टोटल होते हैं, चैप्टर तो काफ़ी हो जाते हैं। तो आपको ये काफ़ी देखने को मिलेगा, ज़्यादातर चैप्टर्स में एक या दो ऐसा देखने को मिलेगा, एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं। डिटरमिनेंट में जैसे आप देखोगे, अब डिटरमिनेंट चैप्टर हो सकता है अभी आपने ना पढ़ा हो, तो मैं बता दूं, एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के वही 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है मैट्रिक्स ही आ जाए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब +4 कितना नंबर मिलेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से मिला के अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब ये 8 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं साइड में, तो आप समझ लो एक क्वेश्चन, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का है नहीं कि भाई ये 2 नंबर का है या 3 नंबर का, सीधा है एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसके हिसाब से आप 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक क्वेश्चन बन सकता है, और हो सकता है ना भी आए, मतलब इसमें थोड़ी सी ऐसी रहती है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, आपका 11th क्लास का चैप्टर है ये बाइनोमियल थ्योरम। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप क्लास 12th में पढ़ते हो, अगर हम एनसीईआरटी से देखें। डिफरेंशिएबिलिटी भी अगर हम देखें तो क्लास 12th में होता है, इसका भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक क्वेश्चन बन रहा है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो है वो बड़ा क्रूशियल है, ट्रिग्नोमेट्री एक नंबर। तो भाई एक चीज तो मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री एक क्वेश्चन देख के आप ये मत डिसाइड कर लेना चले यार ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब कोई पढ़ाएगा आपको, काफी बड़े बहुत ज्यादा लेक्चर होंगे, हो सकता है 10 लेक्चर में कवर हो रहा है। मैंने भी ट्रिग्नोमेट्री लास्ट ईयर यही का पढ़ाया था, तो 8 9 लेक्चर शायद थे। ठीक है, और ये भी नहीं कि बहुत प्रैक्टिस हुई थी, मतलब थ्योरी थ्योरी कवर थी, तो आप समझ लो कि यार, फिर आप सोचोगे यार एक क्वेश्चन के लिए इतना सब करना है, तो एक चीज देख लो, ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री जरूर एक नंबर का, यहाँ एक मतलब एक नंबर नहीं एक क्वेश्चन है ये जरूर है, लेकिन आप ये समझ लो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मिक्स होके आता है, हो सकता है वो डिफ्रेंसिएशन में काम आ जाए, हो सकता है वो इंटीग्रेशन में काम आ जाए, हो सकता है वो क्वाड्रेटिक में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पूरा मेन, मतलब अगर हम बोले कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री बेसिस पे पूरा, तो वो देखने को हो सकता है कम मिले, लेकिन किसी अदर चैप्टर में उसका मिक्स करके जरूर मिलेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से कम क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन वो किसी और चैप्टर में कहीं ना कहीं उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इंटरलेट रहता है, तो आप इसको सीरियस लें और ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ें। आप ये सोचिए ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा, आप ऐसे पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ना है, एक क्वेश्चन पे ध्यान मत दें, एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन समझते हो, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यार समझ रहे हो 20 मार्क्स आपको गेन करे पाएगा। 20 मार्क्स यार, 20 मार्क्स मायने रखते हैं यार, जेई में एक एक नंबर पर रैंक कहाँ कहाँ पहुंचती है, यहाँ तो 20 मार्क्स। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ध्यान दें, जैसे स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, हाइपरबोला, सब उसी के अंदर है 11th क्लास में, तो इसको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, 3D के भी 2 क्वेश्चन है, तो यानी ये कहीं ना कहीं उसी डोमेन में रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, 2 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इसमें भी कुछ ऐसी है ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही है, कि हो सकता है पर्टिकुलर बेसन आए मिक्स होके कहीं किसी दूसरे चैप्टर में यूज हो जाए, तो इन दोनों से मिला के अगर कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक, आप कहे एनसीईआरटी में तो एक ही चैप्टर है ना, ये एक ही मतलब एक ही चैप्टर में कवर किया गया, 5th चैप्टर में, तो यहाँ पे आप ये मानो दोनों से 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इसी से आ जाए या मतलब इस तरीके से। परमिटिव कॉम्बिनेशन का अगेन इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसका पूरा का पूरा रोल प्रोबेबिलिटी में रहता है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको स्ट्रांग करना है तो इसको स्ट्रांग करना है, यानी ये इनडायरेक्टली कह सकते हो कि आपको वहां पे, ठीक है, कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा इसका, तो आप चीजों को समझें, इस चैप्टर का रोल भी बहुत ज्यादा है। सिक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन है,
लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो एक नंबर का एक क्वेश्चन मेरे बारे में नंबर अगर निकल रहा है, क्वेश्चन की बात हो रही, एक क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से टोटल तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टेट्स का एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस के तीन क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा दो क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग एक, और प्रोबेबिलिटी दो। तो प्रोबेबिलिटी से दो है तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा करना है, क्योंकि दो और एक तीन, तीन क्वेश्चन हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे एक दूसरे से, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें। और आपसे आप लोग जानना चाहते हैं कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या है मार्किंग स्कीम इस तरीके से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, तो मैं वो भी किसी दिन डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी है और इन चैप्टर्स पे ध्यान देना है, और A4S रोड मैप, A4S रोड मैप का यूज करें, A4S रोड मैप का यूज करें, जिसके थ्रू आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे, ठीक है। A4S रोड मैप में आप लाइन से चलते जाइए, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो भाई पढ़ना शुरू करो A4S रोड मैप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक फाइल ओपन होगी, उसमें बकायदा आपको बताया जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। मतलब आपको यही समझ में नहीं आता ना स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सिलेबस करें, बिल्कुल पॉइंट बाई लाइन से आपको बताया जाएगा कि अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, अब ये DPP करना, अब ये सॉल्व, लाइन से करते जाओगे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने पूरी एनालिसिस कर दी। बाकी और आपको क्या डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन लिखना, जिससे कि मैं उन पे वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो बस यही वीडियो था, इसमें आपको यही सब बताना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।